आरोग्य जागृति। आरोग्य जागृति में आज हमारे साथ डॉक्टर चंद्रशेखर कंदरफड़े, जो जाने माने न्यूरोसर्जन हैं। अब हम चंद्रशेखर कंदरफड़े सर से बात करने वाले हैं कि ब्रेन हेमरेज क्या होता है। सर नमस्कार। ब्रेन हेमरेज यानी दिमाग में होने वाली खून की गांठ, सबसे कॉमन इसका कारण होता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी यानी दिमाग के ऊपर लगने वाले मार की वजह से होने वाले दिमाग में खून की गांठ। दूसरी स्पॉन्टेनियस, जिसमें कभी दिमाग में बीपी या ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से होने वाली, कभी कभी दिमाग में जो खून की नसें रहती है उन पे एक छोटी सी गांठ आ जाती है जिसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं, वो एन्यूरिज्म फटने की वजह से होने वाली खून की गांठ। तो कभी कभी यही खून की नसों के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स जिसको हम AVM आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशंस बोलते हैं, तो कभी कभी छोटे मोटे खून की गांठ छोड़ के अलग तरीके की गांठ जिसको अपन ट्यूमर्स बोलते हैं उनमें, उनकी वजह से भी कभी कभी ये खून की गांठ बन जाती है। और एक सबसे रेयर और दूसरा एक तरीका रहता है जो खून की अशुद्ध रक्तवाहिनी दिमाग की रहती है उसके भी बंद होने के कारण दिमाग में प्रेशर बढ़ के छोटी मोटी खून की गांठ बन जाना, ये सबसे मेन कारण है। ये ब्रेन हेमरेज किस वजह से होता है और क्या कारण, इसका मेन कारण क्या रहता है? जैसे हमने क्लासिफिकेशन में देखा है कि ट्रॉमेटिक यानी सबसे कॉमन कारण है कि मार लगने की वजह से, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होना, सड़क की दुर्घटना में सर पे मार लगना, चक्कर आके गिर जाना, ये सबसे कॉमन कारण है जिसमें दिमाग में खून की गांठ बन जाती है। हाँ ज़रूर, ये गांठ बहुत से डिफरेंट तरीके की रहती है, जहाँ दिमाग के कवरिंग में जिसको अपन एक्स्ट्रा ड्यूरल सब ड्यूरल हिमाटोमा बोलते हैं, तो कभी कभी दिमाग के अंदर जिसको पैरेन्काइमल ब्लीड बोलते हैं। दूसरा, जैसे हमने कहा कि दिमाग के नसों की प्रॉब्लम्स यानी उसमें आए हुए एन्यूरिज्म्स या उसमें आए हुए बबल या प्रेशर की वजह से होने वाली खून की गांठ, या तीसरा हमने जैसे कहा कि कुछ ट्यूमर्स दिमाग में ऐसे रहते हैं कि जो खून की नसों से आते और उनमें साइज बढ़ने की वजह से या उनकी वजह से खून की नसों को इंजुरी होने की वजह से भी आने वाली खून की गांठें हो सकती है। यूजुअली सबसे कॉमन दिमाग को मार लगने की वजह से ही होता है, बाकी सब चीज़ें काफ़ी अनकॉमन है। और कभी कभी हमने देखा है कि कोई स्पेशली जो बहुत बूढ़े लोग हैं उनमें दिमाग का प्रेशर या बीपी बहुत बढ़ गया और बीपी की बढ़ने की वजह से दिमाग की खून की नस फट गई, उस वजह से भी छोटे मोटे खून की गांठ दिमाग में बन सकते हैं। जैसे बताया कि ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो पेशेंट को पहले समझता नहीं है, इस बीच में अगर पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ब्रेन हेमरेज होने के बाद काफ़ी सारे डिफरेंट सिम्टम्स तरीके से पेशेंट अपने पास आ सकता है। कभी कभी सिंपल यानी सिर्फ सरदर्द बोल के पेशेंट अपने पास आता है, तो कभी कभी पैरालिसिस में, बेहोशी के आलम में, झटके के आलम में आ सकता है। तो यूजुअली जो अपने नियरेस्ट डॉक्टर है, जो अपने नज़दीकी डॉक्टर पहचान वाले, उनको जाके दिखाना सबसे ज़रूरी है। सरदर्द एक्यूट यानी सडनली सरदर्द होना, यानी पहले कभी सरदर्द की शिकायत नहीं होना और सडनली बहुत सीवियर सरदर्द होना, ये भी एक कारण हो सकता है। बट सबसे बड़ा ख्याल रखिए कि कोई भी सरदर्द IC खून की जाँच की वजह से होता नहीं है। तो बहुत बार ये भावना हो जाती है कि खून सरदर्द हुआ तो ये खून की गांठ की वजह से होता है, एक कॉमन कारण है उसका, बट उसके और भी कुछ कारण हैं। जैसे ही सरदर्द शुरू होता है या बेहोशी का आलम होता है, चक्कर, उल्टी, मतली आना, कभी झटके आना, कभी एक हाथ पैर की शक्ति चले जाना, या कभी कभी पेशेंट पूरे बेहोश हो जाना, ये सब कहाँ पे ब्लीडिंग हुआ है या कहाँ पे खून की गांठ बनी है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। कभी भी ऐसे होने पर घबरा जाना नहीं। दूसरा, नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके डॉक्टरों को बता देना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर डॉक्टर कहते हैं वैसे दिमाग का फोटो यानी जिसे हम CT स्कैन कहते हैं या MRI कहते हैं या दिमाग का एंजियोग्राफी MRI एंजियोग्राफी कहते हैं, ये रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी बन जाता है, जिसकी वजह से हमें एग्जैक्ट लोकेशन दिमाग में खून का गांठ कहाँ पे है और किस वजह से है, ये काफ़ी हद तक पता चलने में इससे मदद होती है।
और जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है वो सर दर्द के लिए कुछ दवा लेना, कभी कभी बेहोशी के आलम में सांस की नली तक डालने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो जैसे आपके डॉक्टर पेशेंट को पूरा या जिनको तकलीफ है उनको पूरा इवेल्युएट करेंगे, पूरा चेक करेंगे और जो ज़रूरत है वो चीज़ करके उनको रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देंगे। ब्रेन हेमरेज होता है तो इसमें कौन से तरीके का ऑपरेशन होता है और वो ऑपरेशन को क्या बोला जाता है? ऑपरेशन दिमाग के हर एक खून के ब्लीडिंग के लिए या ब्रेन हेमरेज के लिए ज़रूरत नहीं है, बहुत कम पेशेंट में ये ज़रूरत पड़ती है। जब भी ये खून की गांठ बहुत ज़्यादा बड़ी है, ये खून की गांठ की वजह से दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, या दिमाग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है जिसको हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं, अगर ये ब्रेन स्टेम के ऊपर ये खून की गांठ की वजह से दबाव आ रहा है तो ऑपरेशन ज़रूरी बन जाता। ये ऑपरेशन करके हम दिमाग की खून की गांठ निकालते तो कभी कभी सिर्फ दिमाग की कवटी निकाल के दिमाग का प्रेशर कम कर सकते हैं, जिसे हम डीकम्प्रेसिव क्रेनाटॉमी कहते हैं, या कभी कभी खून की गांठ पूरी निकाल देते हैं जिसको एक्सीजन ऑफ हिमेटोमा आफ्टर क्रेनाटॉमी बोलते हैं। ब्रेन हिमरेज का ऑपरेशन होने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी, जो हम एक्सरसाइज बोलते हैं, क्योंकि बहुत बार हिमरेज की वजह से जो न्यूरोडिफिसिट या हाथों पैरों की शक्ति कम हो जाती है उसके लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी हो जाता है। ये एक्सरसाइज जब तक आपकी शक्ति पूरी नॉर्मलाइज होती नहीं, इसके लिए कभी कभी हफ्ते तो कभी कभी 4-6 महीने भी लग सकते हैं, तो वो पूरी उसकी अपने को काळजी लेनी पड़ती है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो दवाइयाँ जैसे बीपी मेंटेन करने के लिए, झटके ना आए इसको मेंटेन करने के लिए, और कुछ और मेडिसिन जो डॉक्टरों ने प्रिस्क्राइब करी है वो उन्होंने जितना बोला है उतना ज़रूरी लेना पड़ता है। उसमें से झटके की और बीपी की और शुगर की दवा तो हमें शायद पूरी लाइफ लॉन्ग तक लेनी पड़ सकती है। देखिए, ब्रेन हिमरेज ना हो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, दिमाग पर लगने वाला जख्म या मार। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है आप हेलमेट पहनिए, जिसमें ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम्स टू व्हीलर पे होने वाले एक्सीडेंट में दिमाग को खून की गांठ बन जाती है। तो वो एक सबसे बड़ी चीज़ है हेलमेट पहनना, गाड़ी धीरे चलाइए, ट्रैफिक स्पेशली उन नियमों का पालन करिए। जिन व्यक्तियों को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उन्होंने रेगुलर मेडिसिन लेना, रेगुलर शुगर बीपी चेक करना, और हो सके तो रेगुलर एक्सरसाइज करके, रेगुलर जॉगिंग वॉकिंग रनिंग करके खुद को फिट रखना। अगर ये भी हम चीज़ें करते हैं तो हम ब्रेन हिमरेज के ऑलमोस्ट 90% ऑफ द केसेस कम कर सकते हैं।